व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट? काफी कॉमन क्वेश्चन होता है ये भी कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की बात करें तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वो सब प्रोडक्ट होते हैं जो आयुर्वेदिक मंत्र के अंदर बने होते हैं, जो प्रॉपरली एक आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेके उसके अंतर्गत एक एज ए आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाया जाता है, चाहे वो क्या कहते हैं लिक्विड फॉर्म में हो, टैबलेट फॉर्म में हो, क्रीम फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, जो एज ए आयुर्वेदिक मेडिसिन को प्रमोट के तौर पर बनाया जाता है उनको हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कहते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेसिकली एक टर्म होती है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी उसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में क्या होता है, बिल्कुल भी जिनको बनाने के लिए आपने बिल्कुल भी केमिकल नेचर के किसी भी इंग्रेडिएंट का, चाहे वो प्रिजर्वेटिव हो या फिर दूसरे जो प्रोसेस में किए गए यूज किए गए कोई भी फॉर्मुलेशन में एक भी सिंगल केमिकल इंग्रेडिएंट ना हो, बिल्कुल टोटली वो प्योरली हर्बल से, मिनरल से, जो भी नेचर से मिलती है, एग्जैक्ट नेचर से प्राप्त की गई चीजें हैं, उनसे जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है। वो किसी भी फॉर्म में होता है, जरूरी नहीं है कि वो आयुर्वेदिक के अंदर ही बनता है, वो फूड के अंदर भी बन सकता है, वो कॉस्मेटिक के अंदर भी बन सकता है, या किसी दूसरे वे में भी बन सकता है, लेकिन उसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल यूज नहीं होता, चाहे वो एज ए प्रिजर्वेटिव लगा लो, स्टेबलाइजर लगा लो, एडिटिव लगा लो, क्योंकि सब में नीचे एक्सिपिएंट्स लिखे होते हैं, क्योंकि क्या होता है जो मेन कंस्टिट्यूएंट हैं वो किसी भी फॉर्मुलेशन में बहुत थोड़े होते हैं, उसके अलावा उसको बल्क बनाने के लिए, एक पूरी की पूरी फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत सारे मटेरियल्स की जरूरत होती है। उसमें प्रिजर्वेटिव का यूज होता है कि आपकी जो एक सेल्फ लाइफ होती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसके अंदर वो प्रोडक्ट को बचा के रखता है, स्टेबलाइजर उसको स्टेबल करके रखता है। बल्किंग एजेंट का काम क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि आपकी 500 एमजी टैबलेट है, उसमें से आपका 50 एमजी का कोई इंग्रेडिएंट है जिसका रिजल्ट है जो थेरापोटिक को थोड़ा अलग वे में चला जाएगा, मेडिसिन वे में चला जाएगा, मतलब उसका कोई इफेक्ट है जनरली। जैसे हम नीम का ही ले लेते हैं कि नीम को हम यूज कर रहे हैं, उसकी एक टैबलेट बनाते हैं, तो उसमें 250 mg टैबलेट, जो 250 mg है वो नीम है पाउडर फॉर्म में या एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में है, रिमेनिंग हमने जो हमारी टैबलेट बननी है वो कम से कम 500 mg की बननी है, तो mg का जो हमने एक्स्ट्रा मटीरियल लेना है वो बल्किंग एजेंट में आता है, वो एक्सिपिएंट में आता है, तो वो भी केमिकल नेचर का नहीं होना चाहिए, वो भी प्योरली नेचुरल फॉर्म का होना चाहिए, तो जब तब जाके वो जो टैबलेट है वो पूरी ऑर्गेनिक बनेगी। तो एक प्रोडक्ट तभी ऑर्गेनिक बनता है जब उसमें जो उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो भी हर्बल के नेचर के, मिनरल नेचर के, या जो नेचर से मिलती है चीजें वो वाले हैं, और जो स्टेबलाइजर है, जो प्रिजर्वेटिव है, जो बल्किंग एजेंट है, वो सभी वो चीज यूज किए गए हैं जो केमिकल नेचर के नहीं है, जो हमें नेचर से मिलते हैं उनको एग्जैक्ट फॉर्म में यूज किया गया है, तभी जाके एक प्रोडक्ट ऑर्गेनिक बनता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो मोस्ट ऑफ 99% प्रोडक्ट में, चाहे वो अपने आप को ऑर्गेनिक क्लेम करते हो, चाहे वो हर्बल क्लेम करते हो, कुछ भी क्लेम करते हो, वो उसमें केमिकल नेचर के होते हैं और वो अलाउड भी होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये डिफरेंस आपको समझना जरूरी है आयुर्वेदिक मेडिसिन में और ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें टोटली डिफरेंस होता है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी ऑर्गेनिक नेचर के हो सकते हैं अगर वो सभी वो चीजों को उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए गाइडेड होते हैं या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए रखे करते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।